वो वक्त मत आने दो कि एक आंधी बन के निकले और तुम्हारे नामो निशान को भी मिटा के रख दे। हर चीज गुजरातियों को दे दी जाएगी, हर कॉन्ट्रैक्ट गुजरातियों को दे दिया जाएगा, हर देश का अधिकारी गुजराती होगा, गुजरात से जुड़ा हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि लोग बाग गुजरात के विषय में कोई दूसरी गलत भावना पैदा कर लें। मैंने कहा ना, ये सड़क पर खड़ा हुआ छछोरा जिस तरह से किसी को प्रवोक करता है, उस तरह का व्यवहार जो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। आप गोलियां चलाओगे, लोगों को सोचोगे कि हम इन्हें दमन से इन्हें दबा लें, ये आपकी गलतफहमी है। अरे हिंदू एक गाली है, इसे समझो, और जिस दिन तुम इसे समझ जाओगे उस दिन इस देश से हिंदुत्व की बात करना बंद कर दोगे। प्रधानमंत्री, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे गली मोहल्ले के छछोरे और गुंडे और बदमाश नहीं हैं। मनु का संविधान होता तो आज आसाराम बापू पूजनी देवता के रूप में पूजा गया होता, और ऐसी स्थिति में समाज में आपस में लड़ाई या गृह युद्ध या सामाजिक असंतोष इस तरह का फैल जाए, क्योंकि वो मोदी का दोस्त है। मोदी का दोस्त मतलब प्रधानमंत्री का दोस्त है, और प्रधानमंत्री का दोस्त है तो लूटो खाओ, और कोई भी चीज़ है गुजरात को दे दो। और अगर किसान को आप दबाना चाहोगे तो याद रखो, जब किसान अपनी शक्ति पूर्ण शक्ति के साथ में मजदूर के साथ निकलेगा, आप कहीं दिखोगे नहीं। सरकार अगर ये सोचती है कि किसानों को हम घुटने तोड़ देंगे और उसके बाद हम किसानों से अपनी गुलामी करवाएंगे, भारत सरकार किसानों के बिलों के विषय में क्या सोचती है? देखिए, आज किसान की एकता को भंग करने के प्रयत्न में ज़्यादा सक्रिय है ये सरकार। ये सरकार किसानों के इस बिल को वापस नहीं लेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि कहीं ना कहीं वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूब चुकी है, और ऐसे में अगर उसे बचाने का प्रयत्न किया गया तो ये सरकार डूब जाएगी, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि इस बिल को वो वापस करे। अब सवाल उठता है कि न्याय कैसे किसानों को मिले, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत आसान तरीका था कि भारत की न्यायपालिका इन बिलों को लेकर के सरकार को दिशा निर्देश दे कि क्या कारण है कि 3 महीने से किसान सड़कों पर बहुत ठंड में, अब गर्मी में जो बेचैन होकर बैठा हुआ है, कोरोना जैसी महामारी इस देश में फैल रही है, क्या इन परिस्थितियों में न्यायपालिका सरकार को निर्देश नहीं दे सकती है? लेकिन नहीं देगी, क्योंकि न्यायपालिका स्वयं अपने आप में ईमानदार आज नहीं है। न्यायपालिका सिर्फ उन्हीं न्यायों का साथ दे रही है जो या तो सरकार के पक्ष के हैं या सरकार की गलत नीतियों को छुपाने के हैं। तो मैं अकेला सरकार को ही इसमें खड़ा नहीं करता हूँ, मैं इस देश की न्यायपालिका को भी इसमें खड़ा करता हूँ। और आज जो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका जिस तरह से देश का काम कर रही हैं, देश को बर्बाद करने के सिवाय ये कुछ नहीं देना चाहती, क्योंकि यहाँ का श्रमिक वर्ग जो किसान है वो बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। आज हो सकता है साल 6 महीने तक किसान के पास में ये सब कुछ है और उसको किसान अपने घर के उपयोग के लिए ला रहा हो, लेकिन इतना किसी के भी पास नहीं है कि हम इस देश में किसान 2 साल तक 3 साल तक इस आंदोलन को चला सके। और सरकार इसकी एक कमजोरी को देख रही है कि एक तो जातियों में बांट के हम इन्हें हटा सकते हैं, दूसरा आपस में कोई इस तरह का कांड करवा दें जिस तरह का पुलवामा कांड हुआ था, ठीक उसी तरह कोई और दूसरा कांड करवा दें, अभी छत्तीसगढ़ में जो कांड हुआ है, ये सब राजनीति से प्रेरित और वोट को अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न करने के ये नियम हैं। और ऐसी स्थिति में समाज में आपस में लड़ाई या गृह युद्ध या सामाजिक असंतोष इस तरह का फैल जाए, इसकी नियत सरकार की है और सरकार के लोगों का चरित्र। आज मैं अफसोस इस बात पर करता हूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री का शैक्षणिक या मानसिक स्तर कितना गिरा हुआ है। वो एक मुख्यमंत्री के साथ में मिमिक्री करते हुए उसके पर जिस तरह के जुमलेबाजी कर रहा है, शर्म नहीं आती है हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि हम देश के प्रधानमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री के साथ में विपक्ष में जा करके वोट मांगने का वो तरीका अपनाएं जिस तरीका को लज्जित करता हो। अरे कुछ तो शर्म करो, देश ने तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया है, तुम कोई बाजार में खड़े हुए मवाली नहीं हो, तुम कोई सड़क पर छछोरा अगीरी करने वाले नेता नहीं हो, लेकिन तुम्हारा जो व्यवहार है वो बहुत गिरे हुए स्तर का है।
प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए और इसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। जो किसान आज, जो किसान की बुरी हालत है, मजदूर की बुरी हालत है, आज फिर दोबारा लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, इसमें रोजगार लोगों के और लूट जाएंगे और उस समय जब किसान और मजदूर बुरी तरह से टूट कर इस देश के सरमाएदारों, इस देश के अधिकारियों से जब सवाल पूछेंगे तो उसका परिणाम कोई अच्छा नहीं निकलेगा। सरकार अगर ये सोचती है कि किसानों को हम घुटने तोड़ देंगे और उसके बाद हम किसानों से अपनी गुलामी करवाएंगे, ये नहीं सोचती है कि हम अपने ही नौजवानों को, अपने ही जो हमारा श्रमिक वर्ग है उसको हम कमज़ोर कर रहे हैं, हम उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, हम अपना विश्वास खो रहे हैं जनता के साथ में। इसलिए सरकार को तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए और अगर इस चीज़ में अक्षम है, सरकार अपने आप में अक्षम है, तो भारत की न्यायपालिका को आगे आकर के ये निर्णय लेना चाहिए कि इस तरह के संविधान विरोधी कोई भी आंदोलन, मैं नहीं कहता कि किसानों का आंदोलन सही हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसान सड़क पर क्यों उतरा, उतरा सरकार के गलत नियमों के कारण, सरकार की गलत नियति के कारण, सरकार की जो बेईमानीपूर्ण व्यवहार है उसके कारण निकला है सड़कों पर। और अगर किसान को आप दबाना चाहोगे तो याद रखो, जब किसान अपनी शक्ति, पूर्ण शक्ति के साथ में मजदूर के साथ निकलेगा, आप कहीं दिखोगे नहीं, आप गोलियां चलाओगे, लोगों को सोचोगे कि हम इन्हें दमन से इन्हें दबा लें, यह आपकी गलतफहमी है। जिस दिन आदमी जिसका सब कुछ खो चुका हो, आज किसान का सब कुछ खोने जा रहा है, अगर ये और ज़्यादा खो दिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं निवेदन करता हूँ प्रधानमंत्री से और भारत की न्यायपालिका से भी निवेदन करता हूँ कि आप अपने आप को सर्वोपरि मत मानिए, आप अपने आप को खुदा के दर्जे में मत मानिए, आप संविधान के रक्षक बनिए। न्यायपालिका से पुनः मैं निवेदन करता हूँ, आप संविधान के रक्षक बनिए और सरकार को निर्देशित करिए कि किसान क्यों सड़क पर बैठा है, उसके साथ न्याय करो, किसी भी रूप का न्याय करो, लेकिन न्याय करो। और सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध रहे, अगर आज इसी तरह से व्यवहार किया जाता रहा, हर चीज़ गुजरातियों को दे दी जाएगी, हर कॉन्ट्रैक्ट गुजरातियों को दे दिया जाएगा, हर देश का अधिकारी गुजराती होगा, गुजरात से जुड़ा हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि लोग बाग गुजरात के विषय में कोई दूसरी गलत भावना पैदा कर लें। आप सखों के प्रति घृणा पैदा कर रहे हो, आप जाटों को, अगर जरा सा भी कोई जाट नेता ये कह देता है, कहाँ गए वो हिंदुत्व के लोग, जिन लोगों ने मंदिरों से कोई सहयोग नहीं किया, मस्जिदों ने सहयोग किया, गुरुद्वारों ने सहयोग किया, और उस पर उस किसान नेता की का पिंडदान कर देते हो, कौन से वो हो, क्या तुम चाहते हो सच में मनुवाद यहाँ आए? चलिए हम मान लेते हैं, कौन सा मनुवाद चाहिए, कौन सा रामराज आपको चाहिए, वो रामराज, वो मनुवाद जहाँ स्त्री के ऊपर अत्याचार होने पर, जहाँ स्त्री के ऊपर अत्याचार होने पर कोई सजा नहीं मिलती, भगवान का रूप दे दिया जाता है। ये भारत का संविधान है जो आसाराम बापू जैसे लोग बाग जेल में बंद हैं। अगर मनु का संविधान होता तो आज आसाराम बापू पूजनीय देवता के रूप में पूजा गया होता। इसलिए ध्यान रहे, ये देश भारत के संविधान पर चलने के लिए अब और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। वो वक्त मत आने दो कि एक आंधी बन के निकले और तुम्हारे नामो निशान को भी मिटा के रख दे। इन्हीं सब बातों के बीच में मैं अपनी बात को यही, एक सवाल है प्रधानमंत्री करे और दीदी करके दीदी को संबोधित करें, उसको कैसे? मैंने कहा ना, ये सड़क पर खड़ा हुआ छछोरा जिस तरह से किसी को प्रवोक करता है, उस तरह का व्यवहार जो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं ये उनको शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे गली मोहल्ले के छछोरे और गुंडे और बदमाश नहीं हैं। अपने आप को, अपने बोल चाल को उस तरह का बनाओ कि तुम प्रधानमंत्री तुम्हारे बोल चाल में छलके, तुम्हें हर तरह से तो लोग बाग कहने, जुमलेबाज कहने लगे हैं। ऐसी मिमकरी मत करो कि स्वयं अपने आप में अपना ही वीडियो जब देखो तो लज्जित हो जाओ, शर्म करो। नहीं, मोदी के प्रशंसक कह रहे हैं कि सर अगर मोदी है तो हिंदू सेफ है, यानी सेफ हिंदू करके ट्रेंड भी चल रहा है, तो उसको कैसे देखें? अरे बिल्कुल सही है, पहले तो हिंदू की परिभाषा समझ लें, वो लोग जो हिंदू को सेफ कह रहे हैं, जा करके मेरे से नहीं, वो दयानंद सरस्वती की किताब को पढ़ें कि हिंदू का मतलब क्या होता है। अरे तुम्हें एक गाली दी गई उसे ही तुमने स्वीकार कर लिया। बड़े दुख के साथ मैं ये कहता हूँ, ये जो आज सिंह साहबान घूम रहे हैं हमारे देश में ज़्यादातर, वो कौन से सिंह साहबान हैं? इस देश में दो तरह के सिंह साहबान दिए गए, जब अकबर के दरबार में अपनी बेटियों की शादी करके लोग बाग पदवियाँ पाते थे,
उनको सिंह साहबान दिया जाता था, मतलब उन्हें साले न कह के उनको सिंह साहबान की पदवी दी जाती थी अकबर के राज में। शर्म करो। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने अपने सिख दिए थे, उनको सिंह साहबान बनाया था और ये कहा था कि 1,25,000 से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। उन सिंह साहबानों का कद्र करो, तुम अपने आप को सिंह साहबान मत बनाओ। अरे हिंदू एक गाली है, इसे समझो, और जिस दिन तुम इसे समझ जाओगे उस दिन इस देश से हिंदुत्व की बात करना बंद कर दोगे। जिस दिन तुम मनु के विधान को समझ जाओगे, आसाराम बापू को याद करो, बलात्कार करने पर वो जेल में है, वरना वो आज मंदिर में पुजारी वो भगवान बन के बैठा गया होता अगर भारत का संविधान डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ ना होता। नहीं, आपने एक बात कही सर कि खेतों में जो मजदूर हैं, जो कमेरा वर्ग है, क्या उनके मुख पर खुशहाली दिखना चाहिए, तभी इस देश का दरअसल अस्तित्व बचा रहेगा, ये हकीकत है? बिल्कुल, मैं किसान और मजदूर से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, खासकर किसान मजदूर और सभी से। वो जो कमेरा वर्ग है वो किसान है, मजदूर है वो कमेरा वर्ग है, सेवक है वो कमेरा वर्ग है। इन लोगों से मैं कटिबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने आपस में भाईचारा पैदा करो। यदि आप किसी मजदूर की बेटी की शादी अपने गांव में घोड़े पर बैठ कर अगर नहीं करने दोगे तो आप में कभी भाईचारा नहीं आएगा। किसान को भी इसके लिए सोचना पड़ेगा कि वो अपने गाँव की बेटी की इज्जत अपनी बेटी की इज्जत के तरह माने, अपने बेटे की शादी किसान के मजदूर के बेटे की शादी की तरह, उसे अगर घोड़े पद से उतार के, ये सब चाहता यही है, यही तो है ब्राह्मणवाद, इसी का तो हम विरोध करते हैं। हम में जो जहर बोया है, हम जातियाँ कहाँ से बनी, एक जाति विशेष के व्यक्ति ने बनाई, ब्राह्मण ने हम सबको जातियों में बांट दिया। आज वो बाहर बैठकर मजे से ताली बजाता है और हम आपस में एक दूसरे की बेइज्जत करते हुए अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अरे इन मंदिरों में क्या मिला इस देश को, बहुसंख्यक को बांट करके इस देश को बर्बाद कर दिया, ये कभी देश को देश बनने भी नहीं देगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, आप अपने अंदर भाईचारा पैदा करो। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है वो मित्र बने, और हमें एक आंदोलन का नाम दे रहे हैं जो आपस में ये एक दूसरे को जोड़ेगा, क्योंकि जातियाँ हम मिटा नहीं सकते, घृणा को मिटा सकते हैं, और वो घृणा है हम टूक रोटी नमक आंदोलन चलाएंगे। एक टूक रोटी वाल्मीकि के घर की हो, उसको हम खाएं, हमारा जो भी साथी है वो सभी खाए, और आपस में एक दूसरे के प्रति जो घृणा हमने पैदा की है ब्राह्मण ने, उसको हम खत्म करते हुए देश को नए रास्ते की तरफ ले जाएं, और देश को भारत का वो भारत जो सम्राट अशोक के समय का स्वर्णिम काल था, वो भारत जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संविधान में सुनिश्चित किया है, हम वो भारत जो रविदास कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, सभी जन खुश रहे, रविदास रहे प्रसन्न, ये सब जो बातें हैं कबीर के, हम उस देश की बात करना चाहते हैं, ज्योतिबा के उस समाज की बात करना चाहते हैं जहां पर सभी लोग पढ़े लिखे और योग्य लोग बने, और इसके लिए किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। मैं नहीं चाहता कि आरक्षण इस देश में हो, आप कर दीजिए ना, शिक्षा को सबके लिए निःशुल्क कर दीजिए, कोई भी दोहरी शिक्षा नहीं होगी, कोई पब्लिक स्कूल नहीं होगा, सभी के लिए एक ही तरह की शिक्षा होगी। आप देखिए कंपटीशन में आप आइए, जो आगे आएगा वो आगे जाएगा, जो पीछे रहेगा वो रह जाएगा, न फिर कोई शाह का बेटा होगा जो 16,00,000 के 80 करोड़ बनाएगा, न कोई अडानी अंबानी होगा जो कुछ ही दिनों में अपने भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट का मालिक बन जाएगा, जो पहले 16 करोड़ या 17 करोड़ का 2014 में मालिक था, आज वो देश का सबसे बड़ा पूंजीपति क्यों बन रहा है, क्योंकि वो मोदी का दोस्त है, मोदी का दोस्त मतलब प्रधानमंत्री का दोस्त है, और प्रधानमंत्री का दोस्त है तो लूटो खाओ, और कोई भी चीज़ है गुजरात को दे दो। सर एक सवाल, ईवीएम पकड़ी गई है असम में बीजेपी एमएलए के गाड़ी में, उसको कैसे देख? उसको मैं ये देखता हूँ कि अगर ईवीएम को ख़त्म करना है या ईवीएम की सार्थकता को लाना है तो एक चीज़ करिए, इस ईवीएम से ईवीएम के इलेक्शन को आप किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मत करवाइए, आप चुनाव चिन्ह को खत्म कर दीजिए। जो स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ेगा, पार्टी एक होगी लेकिन उसका चुनाव चिन्ह एक नहीं होगा, क्योंकि जो भी मैनिपुलेशन है वो चुनाव चिन्ह को लेकर के ही होता है। अखिल भारतीय स्तर पर एक अपने ऐप बना ली और उसको डाउनलोड कर दिया और देखा सब जगह से जीतते चले जा रहे हैं, आप उसको हटा दीजिए, चुनाव चिन्ह हटा दीजिए, हम देखते हैं। ईवीएम से भी चुनाव हमें मंजूर है, लेकिन अगर चुनाव चिन्ह एक होगा पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर तो बेईमानी होगी ही, उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसके लिए न्यायपालिका को आगे आना पड़ेगा। अब न्यायपालिका कह सकती है कि हमारे पास तो कोई नहीं आया, हम ये मान रहे हैं आपके पास कोई नहीं आया, हमारी आवाज़ तो जा रही है।
देश की आवाज तो आ रही है, देश में हर तरफ से आवाज उठ रही है, क्यों नहीं न्यायपालिका संज्ञान लेती है।